बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सना खान फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ना कोई आपको हम रेमेडी बताने जा रहे हैं और ना ही हम आपको कोई रेसिपी बताने जा रहे हैं। हमने आपको एक टिप देनी है जो कि एक आसान सी टिप है। आपको कुछ भी नहीं करना और इससे जो है कमर के दर्द में जो है आपको कमी वाक़ होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द जो है वो ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि नाज़रीन, आजकल जो है तकरीबन हर दूसरे बंदे को जो है, हर दूसरे इंसान को कमर के दर्द की जो है वो शिकायत रहती है। खसूसन जो टीन एज गर्ल्स जो हैं उनको ये ज़्यादा मसला होता है और मर्दों की नस्बत ये औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो नाज़रीन, इसका हमने आपको एक आसान सा हल बताना है। अगर आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना इलाज भी जारी रखें जो भी आपको आपके डॉक्टर ने बताया है, और उसके साथ साथ जो हम आपको तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं आपने वो भी लाजमी करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द ही आराम आना शुरू हो जाएगा और आप कमर का दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, सिंपली आपने, हर इंसान खाना खाता है और हर इंसान से खाना खाते वक्त जो है, चाहे डाइनिंग टेबल हो या फिर प्लेट हो आपकी या फिर दस्तरखान हो, उस पे थोड़ा थोड़ा जो है वो खाना लाजमी गिर जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो है वो वाला जो खाना है उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको खाना है। रोटी का टुकड़ा हो या सालन हो, जो भी आपके हाथ से गिरे खाते वक्त तो या मुंह में डालते वक्त गिर जाए तो वो आपने उसको अपना मतलब प्लेट साथ रखें या फिर दस्तरखान के ऊपर जहाँ आप बैठे हों वहाँ एक और साफ़ कपड़ा और दस्तरखान के ऊपर आप रख दें। लेकिन आपने वो खाना जो है किसी भी सूरत वेस्ट नहीं करना। आप मामूल बना लें कि जो खाना आपके प्लेट में गिरा है या आपके दस्तरखान पे गिरा है तो आपने उसको खा लेना है। आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से आपका जो कमर का दर्द है वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये भी नहीं है कि आप एक दिन थोड़ा सा कोई आप जान के गिरा लें या कोई ऐसा खाना आप खा भी लें तो आप कहें कि दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस आपने ये रूटीन बनानी है और फिर भूल जाएं, और फिर एक दिन आएगा कि आपको ये भी भूल जाएगा कि आपको कमर का दर्द भी कभी होता था। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।